दोस्तों कैसे हैं? आज 1 सितंबर 2019 है और आज जो मैं आपके बारे में डिटेल लेके आया था वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में लेके आया था। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं और वो आपके पैसे को जो आप डायरेक्ट मार्केट में लगाते हैं वो नहीं लगा के आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा फंड नाम है मोतीलाल ओसवाल। मैं किसी का फ्रेंचाइज नहीं हूँ ना, तो मैं किसी का ये हूँ, जस्ट एक एनालिसिस कर रहा था, उस पे आपको अपडेट दे रहा हूँ। आपकी मर्जी, आपका लिए इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, पहले आप पूरा एनालिसिस करके फिर करें। एक मोतीलाल ओसवाल में जब डिटेल में एनालिसिस करा था, देखा कि उन्होंने मेन जो फंड लगाया हुआ है वो एक मेन उनका एयूएम जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, उनका टोटल 26,000 करोड़ के आसपास का है और ये जून 2019 का अपडेट है। तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है उनका, मोतीलाल ओसवाल जी का, वो 8,116 करोड़ बता रहा है मल्टी कैप फंड में। और रैंकिंग जो क्रिशिल के द्वारा दिया हुआ वो 4 की रैंकिंग दी हुई है, एक डिविडेंड है और एक ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे ज़्यादा मल्टी कैप फंड में, फोकस फंड में यहाँ पे ये इनका ज़्यादा होल्डिंग है। चलिए आप इसको ही आज डिस्कस करते हैं कि ये कैसा फंड है, क्या फंड है। तो जब मोतीलाल ओसवाल के फोकस 25 फंड ग्रोथ को एक बार जाकर देखते हैं। फोकस फंड क्या होता है? फोकस्ड फंड वो होता है जहाँ पे उन लास्ट 3-4 ईयर्स में वो किसी स्पेसिफिक एग्जिट अर्निंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जो अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी लास्ट 3-4 ईयर्स में उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ नहीं परफॉर्म करती वहाँ से एग्जिट करते हैं। लास्ट रिटर्न देखेंगे अभी आपको, एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए, तो यहाँ पे 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का दिया हुआ है, और 5 साल का देखेंगे तो 58% है। और वहीं एनालाइज रिटर्न देखेंगे, मतलब ईयरली रिटर्न जो उसको आता है, ये तो क्यूमुलेटिव हो गया, और उसको एनालाइज देखेंगे तो 9.59 है। वहीं इस तरह की कैटेगरी में जो फोकस फंड है, इस तरह की कैटेगरी का जो रिटर्न है वो कितना परसेंट रहा वो दिया जाता है। तो उस कैटेगरी में भी सबसे अच्छा इन्होंने किया हुआ 12.73 दिया हुआ सिंस इंसेप्शन, जब से ये चालू किया। इनफैक्ट आप ये देखेंगे एनालाइज रिटर्न इनका जो है वो अच्छा ही रहता है। यहाँ कैटेगरी ने अगर 8% का फोकस पर ने लॉस किया तो मोतीलाल ने ज़्यादा मैनेज किया इसको, 4% का रैंकिंग भी इसकी दी हुई है। इनका ये SIP भी चलता है, और SIP के रिटर्न भी देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न है एनालाइज रिटर्न है 1.52, 0.79, 6 पॉइंट एनालाइज रिटर्न ही है, एब्सोल्यूट रिटर्न है। और एनालाइज रिटर्न यहाँ पे 2%, 4%, 6% है। तो SIP के थ्रू भी आप जा सकते हैं, और 1,000 रुपये के SIP से भी ये स्टार्ट होता है। अगर हम इसमें देखें ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर फंड से, निफ्टी से, बेंचमार्क से, एवरेज कैटेगरी से, तो आप देखेंगे ये फंड जो कर रहा है 1 डे 1 वीक 6 मंथ में, 1 ईयर में, तो लास्ट 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में देखेंगे तो जहाँ 9.59 का इसने 5 साल का गेन दिया है, निफ्टी ने 6.73 का दिया है, निफ्टी 50 ट्राई जो है वहाँ से 8% का दिया है, उससे भी ऊपर दिया है, और इस कैटेगरी के एवरेज से ये 8%, 8.6 से 9.59 दिया है। रैंक इसका टोटल 14 है तो हमें 6th रैंक लिया है, और अभी आप देखेंगे दूसरी और तीसरी रैंक पे चल रहा है ये, 1 मंथ में तीसरी रैंक में है रिटर्न में और दूसरी रैंक पे भी है। तो ये एक अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा है, इसको वॉच रखना चाहिए। इसी फोकस फंड में अगर आप देखेंगे अपने पास तो और भी अल्टरनेटिव फंड्स हैं, और उसकी रिटर्न भी यहाँ पे दी हुई है। अब ये एक्सिस मल्टी कैप देखेंगे, 1 मंथ का रिटर्न 1.3 है, 3 मंथ्स का निगेटिव है, 6 मंथ का लोएस्ट लॉस जो हुआ इतने मार्केट के बाद भी, तो वो देखेंगे एक्सिस मल्टी कैप, बट इसका कोई भी रैंकिंग नहीं है। LIC का मल्टी कैप भी है, इसकी भी रिटर्न देखें, एसेट अंडर जो मैनेज कर रहा है ये 4,000 करोड़ का, ये 273 करोड़ का। बड़े में देखें तो कोटेक एक है जो कि 24,000 करोड़ का, 5 की रैंकिंग भी है इसको, इसको भी देख लेंगे एक बार इसका ये क्या होल्डिंग करता है, और इसका रिटर्न देखेंगे थोड़ा अच्छा दिखता है। तो 5 रैंकिंग के साथ ये है। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड भी 4 रैंकिंग के साथ है, DSP इक्विटी फंड रेगुलर फंड भी 4 रैंकिंग के साथ है। तो अगर हम एक बार जाकर के इनके फंड होल्डिंग को भी देखें, क्या क्या ये फंड होल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे दिखेगा जो इनकी होल्डिंग की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग 94% है, फ्यूचर होल्डिंग 0 है,
और फॉरेन में मोतीलाल जी का जो भी होल्डिंग है ये नहीं है, फॉरेन इक्विटी में होल्ड नहीं करते हैं, मैंने फॉरेन बाहर के शेयर को बाय इनकी होल्डिंग में नहीं रखे हैं। इसकी जो कंटेंट्स है, अगर ये म्यूचुअल फंड है और ये परफॉर्म कर रहा था, ये भी बाय किए होंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो इनकी जो होल्डिंग है 94% जो होल्डिंग है वो इक्विटी में है, और उसमें से टॉप 10 जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे है, HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट, इन्फोसिस, जो रेड है डाउन दिख रहा है वो इन्होंने थोड़ा सा कम किया है, और जो ग्रीन है उसमें बाइंग की है, अब जहाँ निगेटिव है वहाँ पे उन्होंने हटाया हुआ है, यहाँ पे इसका लिखा हुआ है इंडिकेट्स चेंजेस इन वेटेड इन पोर्टफोलियो, इंडिकेट्स ए न्यू एंट्री, तो यहाँ पे कोई न्यू एंट्री का लिस्ट नहीं है, बट यहाँ पे HDFC में इन्होंने बैंक में बाइंग की बढ़ाई है, और अभी जो होल्डिंग है इसकी 12,936 करोड़ की है, टोटल 10.40 टोटल होल्डिंग की 10% है, वन मंथ में जो चेंज इन्होंने होल्डिंग की है 0.20 से की है, अभी इन्होंने इन्फोसिस में 1.1% से होल्डिंग बढ़ाई है रिसेंटली, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे वन मंथ में चेंज जो है वो इन्फोसिस में है और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में है, मोतीलाल जी ओसवाल जी का ये धोखा है। अब इसके कंपेरेटिव जो हमने देखा था तो देखा था कोटेक है, तो कोटेक क्या कर रहा है, कोटेक देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लार्सन ट्रिबो से एग्जिट हो रहा है, ICICI में होल्डिंग बढ़ा रहा है, और लास्ट वन मंथ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्फोसिस में टाटा TCS में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट वन मंथ में, तो इसका भी रिटर्न अगर देखें तो इक्विटी होल्डिंग इसकी 90% है, बट फॉरेन होल्डिंग भी यहाँ पे इसकी भी फॉरेन होल्डिंग कोटेक की भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 54 है, लार्ज कैप में इन्होंने 75% है, मिड कैप में 16% है, स्मॉल कैप में 1 पॉइंट है, अदर 0.27 है, और उसकी 10 जो होल्डिंग है उसमें ICICI बैंक में ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है, फिर इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, SBI, अल्ट्राटेक, और सबसे ज़्यादा इसमें जो होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है वो 6.72 के साथ ICICI में मिल रही है, जहाँ मोतीलाल ओसवाल जी की 10% होल्डिंग HDFC बैंक में थी और वहाँ पे ICICI में थी। अब चलिए तीसरा एक फंड है जो SBI फंड है, SBI देखिए यहाँ पे फॉरेन इक्विटी में भी होल्ड करता है 3.981% ही इक्विटी में है, और फॉरेन के भी इक्विटी ये बाई करके रखे हुए हैं, और उसमें देखेंगे जैसे ये अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, और इन्होंने अभी टॉरेंट पावर में एंट्री ली है 4% से, और यहाँ पे प्रोटेक्ट SBI जो है प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन में लिया है एंट्री, HDFC बैंक में इन्होंने रिड्यूस किया है, स्टेट बैंक में रिड्यूस किया है इन्होंने एंट्री, डिविज लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाई है इन्होंने वन मंथ में, और टॉरेंट पावर में 4.5% लगाया है SBI ने। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके पास भी पोर्टफोलियो है, आप भी होल्डिंग करते हैं, और फोकस फंड पर अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको वो शेयर मिल सकते हैं जिस पे आपको लगेगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, क्या होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो जब हमने सबको देखा तो सबसे ज़्यादा देखा डिविज लेबोरेटरी में इन्होंने 1.81 के साथ SBI, और टोरेंट पावर के साथ 4.29 के साथ एंट्री ले रही है। वहीं कोटेक क्या कर रहे हैं, कोटेक लास्ट वन मंथ में आप देखेंगे तो इन्फोसिस में 0.48 के साथ सबसे ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा रहा है, लार्सन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, एक्सिस में रिडक्शन लिया है इन्होंने। मोतीलाल ओसवाल जी क्या कर रहे हैं, मोतीलाल जी ओसवाल जी का जो चेंज है आप देखेंगे इन्फोसिस में इनका इन हो रहा है, HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में 0.49 के साथ इन हो रहा है, और TCS में 0.44 के साथ हो रहा है, मारुति सुजुकी में कटेल कर रहे हैं 0.56 से, एक्सिस बैंक में कटेल किया है इन्होंने, लार्सन टर्बो में भी कहीं ना कहीं इन्होंने कटेल किया है। तो अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है इन्फोसिस, HDFC, TCS, यूनाइटेड स्पिरिट में इन्होंने 0.64% की होल्डिंग बढ़ाई है अभी मोतीलाल ओसवाल जी ने, तो ये भी एक देखने की चीज़ है, ये अच्छा एक फंड है यूनाइटेड स्पिरिट। इसका ये देखने का सिर्फ एक रीज़न ये था, और SBI के रिटर्न जिसको 5 स्टार मिला हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाया था कि सबसे ज़्यादा जो स्टार मिले हुए हैं यहाँ पे 4 स्टार इसको मिले, कोटेक को 5 स्टार मिला हुआ है, तो कोटेक के जो होल्डिंग थी ये थी, और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो एब्सोल्यूट रिटर्न भी देख सकते हैं कोटेक का, एनालाइज रिटर्न भी देख सकते हैं,
सिंस इंसेप्शन 5 साल में देख ले तो 76% का रिटर्न दे चुका है ये। और SBI के फंड को देखें तो SBI का जो रिटर्न दे चुका है ये लास्ट 5 साल में 71% इंसेप्शन से 386 एनालाइज 19, 17, 11, 8, 7% दे रहा है। तो ये तीन फंड है SBI, कोटेक, मोतीलाल ओसवाल, आपको जिसमें अच्छा लगे आप वहाँ परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, रख सकते हैं। इस तरह से आपको और भी कुछ देखना हो तो आप यहाँ से भी फोकस फंड को जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है DSP का है, SBI का है, ये सब SIP है, चाहे तो इसमें SIP भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको कोई भी फंड चूज करके अपने ट्रेंड के अनुसार, AUM के अनुसार आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो था मोतीलाल ओसवाल जी का फंड अच्छा परफॉर्म करता है ऐसे मैंने देखा है, तो सोचा एक बार इनको डिटेल में एनालिसिस किया जाए कि ये किस फंड में या किस होल्डिंग में अभी फंड निवेश कर रहे हैं और इसके पीयर्स ने, इसके पीयर्स का परफॉर्मेंस क्या है फोकस फंड पे। तो इसके पीयर्स को भी जब देखा रैंकिंग के साथ, यहाँ पे देखेंगे कनारा रेपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में 5 के साथ रैंकिंग है, तो ये भी एक अच्छा फंड है, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो आप जहाँ भी देखना। लेकिन इन सब ने जो मेनली परफॉर्म किया है और जो कर रहे हैं, आप इसको एक बार देख लेते हैं, ये भी 5 रैंकिंग है, कनारा रॉको इक्विटी डाइवर्सिफाइड रेगुलर ग्रोथ, ये छूट क्यों जाएगा, ये भी देख लेते हैं। तो इसकी भी जो रिटर्न देखेंगे आप 1 वीक का, एब्सोल्यूट रिटर्न तो 17, 11, 8, 9 बहुत अच्छा खास ठीक है, एवरेज ही है। और इसकी जो होल्डिंग है आप देखेंगे HDFC बैंक लिमिटेड में, ICICI में इन्होंने बाय किया है, सबसे ज़्यादा HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट में कर रहे हैं, कोटेक में कर रहे हैं। और लार्सन एंड टर्बो पता नहीं क्यों सारे के सारे फंड छोड़ रहे हैं, एक्सिस बैंक में सब छोड़ रहे हैं। यहाँ देखेंगे इन्फोसिस में कुछ लोगों ने बाय किया, कुछ लोगों ने सेल किया। कॉमन एक चीज़ दिख रही है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूनाइटेड स्पिरिट, ये सब में कहीं ना कहीं बाइंग दिख रही है। SBI में भी कहीं ना कहीं बाइंग दिख रही है। लार्सन टर्बो मैंने दिखा जो कि सबने एग्जिट ही किया है। लार्सन टर्बो यहाँ पे भी एग्जिट हुआ है, एक्सिस बैंक में यहाँ कटेल हुआ है, मारुति में कटेल हुआ है, और कोटेक में भी यहाँ पे भी देखेंगे तो कोटेक ने रिलायंस में यहाँ कटेल किया, लार्सन्स को तो न्यूट्रल रखा, कुछ किया ही नहीं, एक्सिस से कटेल किया। और कहीं ना कहीं जो होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन हाईएस्ट होल्डिंग जो बढ़ाई है इन्होंने, वो इन्फोसिस में बढ़ाई थी। तो आप भी चाहें तो इसको देखें, प्रॉक्टर गैम्बल में यहाँ पे देखेंगे, प्रॉक्टर गैम्बल में इन्होंने SBI फोकस फंड ने बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने डिवीज लेबोरेटरी में 1.81 और टोरेंट पावर में न्यू एंट्री लिया SBI ने। आप भी जाइए, वॉच रखिए और इस पर चेक कीजिए, आपको जो फंड अच्छा लगे आप चाहें तो उसको देख के परफॉर्म करके उसके रिटर्न को चेक करके आप होल्डिंग बना सकते हैं। या SIP म्यूचुअल फंड में करते हैं, फोकस फंड में, तो कमिंग डेज में ये आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसके रिस्क को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी, फिर चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करना नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।